हेलो एवरीवन, मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है टेंस। ठीक है, टेंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात आती है कि हमें टेंस सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि टेंसेज जो है ना सिर्फ आपके कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में, राइटिंग में इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या एंट्रेंस एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, या फिर BBA, BBS, टीचिंग में जो है केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, TGT, PGT, बैंकिंग और SSC या फिर कोई भी कमीशन से का पेपर होता है, उसमें टेंस से रिलेटेड आपके 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो दोबारा से पटवारी का पेपर मैं आपके सामने लाती हूँ क्योंकि आजकल हम इसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, आपके ये क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड आए हैं। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, डिड डज, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, चूज चेंज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस एस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चूज का मतलब क्या है, क्या होगा। और ये देखिए, तो कम से कम 2016 में आपका ये एग्जाम हुआ था, उसका पेपर देखे तो कम से कम 4 क्वेश्चंस आपको टेंस से रिलेटेड आए हैं। और मैं आपको इतना बता दूं, आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि इस ईयर जो ये एग्जाम होने वाला है वो थोड़ा सा टफ लेवल का होगा। इतना ज्यादा इजी मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन जो है दैट इज कट थ्रॉट कंपटीशन। तो चलिए हम बात करते हैं टेंसेस की। तो टेंस होता क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज ऑफ समथिंग हैपन इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि टेंस जो है हमें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, हमें समय बताता है। ठीक है, और ज्यादा इजी करने के लिए डेफिनेशन को, टेंस वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज का टेम्पस, और टेम्पस का मतलब है टाइम। ठीक है, तो टेंस टाइम शो करता है वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है, आप पढ़ते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन पता होगा नहीं कि आखिर ये चीज है क्या। तो रट्टा लगाने से ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया आपको पता है, जैसे कि खाना, गाना, वो सब क्रिया है। ठीक है, क्योंकि वहां उसमें कुछ एक्शन हो रहा है। और वर्ब की फॉर्म्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वर्ब सिंग, सैंग, संग। ठीक है, तो ये आपकी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग, सैंग, सेकंड, संग इज द थर्ड फॉर्म। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो देखकर या कोई और वीडियो देखकर आप आधे घंटे में या 1-2 घंटे में टेंस सीख जाओगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि जो टेंस है वो ऐसे नहीं सीखे जाते, वो आपकी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस डिमांड करते। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे, उतने बेहतरीन तरीके से आपको टेंसेस की नॉलेज होगी। तो चलिए, यहां पर जो अभी हमने टेंस का लेसन तैयार किया है, इसमें मैंने आपको इजी में टेंस बताए हैं। जो इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। ठीक है, पहले आपको इतना समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे जो टेंसेज है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले पास्ट टेंस की। पास्ट आपको पता है, पास्ट यानी कि जो पास्ट है, ठीक है, जो हो चुका है, दैट हैज हैपन अर्लियर। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट, आपने इसका एक जो सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, इसमें डायरेक्ट आपने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। आई वेंट, मैं गया। गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। ठीक है, आई वेंट, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट। मैंने खाना खाया, I ate my food. Eat, ate. Second form. ठीक है, तो इतना देख लीजिए, जो भी past है वो आपका हमेशा second form में start होगा। अब आपने जब practice करनी है, फिर आप सोचोगे कि आप practice कैसे करें, grammar से ही देखकर करें या book से देखकर करें, तो एक और ज्यादा आपको interesting इसका तरीका बताती हूँ। आप practice कीजिए newspaper से। पास्ट टेंस की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज होती है वो पास्ट टेंस में लिखी होती है। आखिर क्यों? क्योंकि वो हैपनिंग्स हो चुकी है। ठीक है, वो हो गया है, वो अब पास्ट है। जैसे मैं आपको यहां बताऊं, यहां हम देखते हैं,
National Security Advisor Ajit Doval said on Sunday. Said. ठीक है? Say, said, said. Second form. Past में आपने ध्यान रखना है कि second form लगेगी और कुछ नहीं. उन्होंने संडे को सैटरडे को क्या क्या कहा? He was fully convinced that a majority of Kashmiri supported. Support नहीं है. क्या है? Supported. उन्होंने supported किया. Support किया. The abrogation of Article 370, which was a special discrimination and not a special status. Doval affirmed. किस किस form? Affirmed. ठीक है? तो जैसे आप न्यूज़ पढ़ते रहोगे ना, तो आप न्यूज़ में देखोगे कि वो सारी की सारी तो क्या मतलब आप 70% न्यूज़ जो है वो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में लिखी हुई होगी. सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो आई होप आपको ये पास्ट टेंस तो लर्न हो ही चुका होगा, वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म और ज्यादा कुछ नहीं जो हो गया है. ठीक है, उसके बाद अब है प्रेजेंट टेंस. कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस भी बहुत ज्यादा इजी है. अभी हम ध्यान रखना है आपने इस बात का कि सिंपल पास्ट किया है हमने, अब हम सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं. तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो अभी चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट है. ठीक है, मैं जाता हूं, आई गो. और आपने ध्यान रखना है ही शी और इट में वर्ब के साथ, वर्ब क्या है यहां पर? गो है ना, एक्शन हो रहा है यहां पर, क्रिया हो रही है. ठीक है, तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? अगर ही शी और इट आ जाएंगे या कोई भी सिंगुलर पर्सन आ जाएगा. ठीक है, जैसे मोहन, मैरी, ही शी इट, तो उसमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा. जैसे ही गोस, ही गो इज द रॉन्ग सेंटेंस, ही गोस, ही ईट्स. ठीक है, एक बात का ध्यान देना है कि अभी मैं आपको सिंपल ही करवा रही हूं. जो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस है या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो ये टेंसेस है ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है. ठीक है, पहले इस कम से कम ये जो स्टार्टिंग नॉलेज है ये होनी चाहिए आप लोगों को. देन वी हैव, ओके, आई गो, मैं जाता हूँ, ही गोस, वो जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू द स्कूल, ही गोस टू द स्कूल, बस. ठीक है, ये प्रेजेंट है जो होता है ना. मैं वीडियो बनाती हूँ, आई मेक वीडियो, वह वीडियो बनाती है, शी मेक्स वीडियो. ठीक, अब फ्यूचर. फ्यूचर क्या होता है? जो भविष्य है, जो आने वाला टाइम है. ठीक है, कि मैं वहां जाऊंगा, I will go there. ठीक है, अब आप सोचोगे कि I के साथ तो shall यूज होता था, तो आपको पहले बता दूं कि जो shall है अब उसका जो यूसेज है वो अब काफी हद तक हट चुका है. ठीक है, अब ये जो है वो ये ट्रेंड में नहीं है, तो will भी यूज कर सकते हैं हम. तो will का मतलब, ठीक है, फ्यूचर में कि ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो वो सारा क्या है? वो फ्यूचर है. ठीक है, I will go, I will come, I will dance, I will eat, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो सारी फ्यूचर में है. और आपको सिंपल प्रेजेंट में मैं फिर से आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर्स की मैक्सिमम जो हेडलाइंस होती है, मैक्सिमम, नॉट ऑल बट मैक्सिमम हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, चाहे वो हैपनिंग पास्ट में क्यों ना हो. जो बाकी रिपोर्ट है वो पास्ट में होगी, है ना, लेकिन जो उसकी हेडलाइंस है वो प्रेजेंट में होगी. जैसे फिर से मैं आपको कोई एग्जांपल दे देती हूँ न्यूज़पेपर से. ये देखिए, ये हेडलाइन है मेरे पास कि एयरफोर्स शॉर्टलिस्ट. ठीक है, यहां पर क्या हो गया? शॉर्टलिस्ट, शॉर्टलिस्टेड नहीं है यानी कि पास्ट नहीं है, शॉर्टलिस्ट प्रेजेंट है. जबकि ये काम पहले हो चुका है, फिर भी इन्होंने प्रेजेंट टेंस में ये यहां पर हेडलाइंस डाली है. तो मैक्सिमम हेडलाइन जो न्यूज़पेपर की होती है वो प्रेजेंट टेंस पे होती है. तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप ध्यान रखना कि जो प्रेजेंट है इसमें आपकी मेन हेडलाइंस होगी, मैक्सिमम, नॉट ऑल, मैक्सिमम हेडलाइंस होगी. और जो पास्ट है इसमें आपकी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होगी. इस तरीके से आप जो है अपनी प्रैक्टिस करोगे टेंस की. पढ़कर नहीं आएगी, प्रैक्टिस कर कर आएगी. फ्यूचर, फ्यूचर का भी हमें पता लग गया है. और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड हम देखते हैं क्या हमें कुछ यहां पर फ्यूचर का मिल रहा है या नहीं. तो
फ्यूचर का देखते हैं कि ओके यहाँ में कहीं विल और शैल का यूज नहीं हो रहा है. विल ओके यहाँ पर देखो कोविन विल एम्बार्क ऑन ए विजिट टू आइसलैंड स्विट्जरलैंड एंड स्लोवेनिया फॉर मंडे. ठीक है कोविन विल एम्बार्क ऑन ए विजिट टू आइसलैंड यानी कि वो जो है आइसलैंड की तरफ आइसलैंड स्विट्जरलैंड की तरफ वहां पर वो एक विजिट करने जा सकते हैं जो हमारे कोविन जी है तो यहाँ पर विल है. ठीक है जाएंगे वो वहां पर जाएंगे तो ये क्या है ये आपका फ्यूचर है ये प्लानिंग हो रही है उनकी हो चुकी वो वहां पर जाएंगे तो ये फ्यूचर टेंस है यानी कि कोविन विल. ठीक है तो इसका भी आपने न्यूज़पेपर से ही तैयारी करनी जितने भी टेंसेज हैं सबसे बेहतरीन जरिया यही है कि आप न्यूज़पेपर से उनकी तैयारी करो. फिर उसके बाद आ जाते हैं ये हमारे सिंपल हो गए सारे. ठीक है ना अब आ गया हमारे पास परफेक्ट पास्ट परफेक्ट परफेक्ट में आपने ध्यान रखना हैज हैव का यूज होगा और जो पास्ट होगा उसमें हैड का. ठीक है क्योंकि ये जो है ये इसकी सेकेंड फॉर्म है और मैंने कहा था पास्ट में हमेशा सेकेंड फॉर्म लगनी हैज हैव की जो सेकेंड फॉर्म है वो हैड होती है तो पास्ट में इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में थी आपकी सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कंफ्यूज नहीं होना है लेकिन जब परफेक्ट आ जाएगा तो परफेक्ट यानी कि नंबर थ्री फॉर्म आपकी यूज होगी और साथ में हैज हैव हैड का तो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट में हैज हैव हैड लग जाएगा. ठीक है आई हैड गॉन मैं चला गया था आई हैव गॉन मैं चला गया हूं. ठीक है आई वी यू दे के साथ हैव ही शी इट के साथ हैज यूज होगा. आई विल हैव गॉन ठीक है मैं जा चुका होऊंगा. हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो आप हिंदी में कम लर्न करना और इंग्लिश में आपने जो इसके रूल्स है वो ज्यादा आपने ध्यान में रखना है. नाउ कॉन्टिन्यूस बहुत ज्यादा ईजी है कॉन्टिन्यूस टेंस. ये क्या है कॉन्टिन्यूस जो कॉन्टिन्यूशन में है जो हो रहा है इसको कहते हैं हम कॉन्टिन्यूस हो रहा है. ठीक है मैं वीडियो बना रही हूँ आई एम मेकिंग अ वीडियो मैं वीडियो बनाती हूँ आई मेक अ वीडियो मैंने वीडियो बनाया आई मेड अ वीडियो मैं वीडियो बना रही हूँ आई एम मेकिंग अ वीडियो. ठीक है ये हो गया आपका पास्ट में आई वॉज गोइंग मैं जा रही थी प्रेजेंट में आई एम गोइंग और फ्यूचर में आई विल बी गोइंग. तो आपने देखना ये क्या है आपका फ्यूचर और यहाँ पर आपके जब वर्ब के साथ गो वर्ब है ना उसके साथ आई एन जी जुड़ गया तो वो क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस. तो ये वाला टेंस कौन सा हो गया मान लीजिए आपको एग्जाम में आता है आई विल बी गोइंग कौन सा टेंस है तो आप लिख सकते हैं कि अच्छा विल तो फ्यूचर है और गोइंग कॉन्टिन्यूअस है तो ये तो हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट में आपको पता था कि परफेक्ट में हैव हैव का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस में आई एन जी का यूज हो रहा है. आई हैड बीन गोइंग ये आपका परफेक्ट हो गया और गोइंग जो है ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया तो ये हो गया प्रेजेंट सॉरी हैड जो है वो हो गया पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये फ्यूचर है फ्यूचर हैव परफेक्ट गोइंग कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो टेंसेस की पहचान तो आपको अब हो ही चुकी होगी. एक बात का ध्यान रखना कि जो भी ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें हैव बीन और हैड बीन के अलावा जो सिर्फ हैव और हैड है ना वो सिर्फ परफेक्ट में है पर जब परफेक्ट था कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो हैव बीन और हैड बीन हो जाएगा और इसमें इनके साथ फॉर और सिंस का यूज होगा. ठीक है अब फॉर और सिंस का कैसे जैसे हमने पढ़ा ही होगा स्कूल में कि वह दो घंटे से पढ़ रही है वह सुबह से पढ़ रही है शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. अब जो ये है सिंस और फॉर